रोहनिया की दौरा बुजुर्ग के ग्रामीणों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामीणों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम आवास के लाभार्थियों से 20 से 30 हजार की अवैध धन उगाही ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान ने की है। पात्रों को अपात्र ठहराकर अपात्रों को आवास दिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास की अतिरिक्त सूची में नाम बढ़ाने के नाम पर पंचायत अधिकारी रामदत्त त्रिवेदी ने 10-10 हजार रुपए वसूले हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की उच्च स्तरीय जांच न हुई तो वो कलेक्ट्रेट का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायबरेली से सारा समय लाइव टीवी के लिए बेपोल शुक्ल की रिपोर्ट। पहुंचो इस समय रायबरेली कटोरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत में, जहां एक बार फिर भ्रष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी के विरोध में ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हुए। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके दर्द की कहानी दिखाएंगे, उन्हीं की जबानी। हम बात करेंगे ग्रामीणों से, क्या समस्या है उनको। क्या नाम है आपका? रामी हूँ। क्या समस्या है आपको? अभी कल उन्होंने शाम नहीं मिल पा रही, उनका आबादी देख के चले जा। कौन आता है? ये सिग्नेटरी लोग और प्रधान तो है। अच्छा, पैसा वैसा कोई मांगता है क्या? नहीं, पैसा वैसा नहीं मांगे, अहूबे नहीं तो पैसा कहाँ मांगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नहीं, क्या समस्या है आपकी? का है, कुछ नहीं है, मकान का है। घर बना है आपका? नहीं, कच्चा ही है। कॉलोनी आपको नहीं मिली? कॉलोनी नहीं। इसके लिए आपने कहा किसी से कॉलोनी के लिए? सिंगरेटरी कहा है, कहीं की घूस वूस पड़ी तो फिर मिली नहीं। घूस मांगते हैं? अच्छा अच्छा, कितना मांगते हैं? 10,000। आपने पैसा दिया उनको? नहीं दिया। क्या नाम है दादा आपका? देश राय। क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या का गरीब आदमी कॉलोनी में है यार। जी जी, सिग्नेटरी से कहा वहाँ से अरे ठीक है, आ जाओ। क्या कहते हैं सिग्नेटरी? अरे कहीं ना जाएंगे, आ जाएंगे, इससे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, कच्चा घर है आपका? हाँ जी, कच्चा घर है। चलिए ठीक है। रीता तो कॉलोनी आई है आपकी? नाम? हाँ आई रही, मैंने कहीं पैसा दिया, दिया तो दिया भाई। किसने कहा? वही जो ना आ रही है। अच्छा, ग्राम पंचायत अधिकारी कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000। पैसा दिया आपने? नहीं दिया, नहीं आई। प्रधान का मांग थे, पैसा मांग रहे हैं और नवा खाता ले आए तो कहा दिया ना लागी, चली कट गए। कॉलोनी नहीं है। कोई पैसा मांग रहा था क्या? प्रधान कितना कितना मांग रहे थे? 10,000 रुपए। होरीलाल किस गांव के रहने वाले हैं? बंसपुर। क्या समस्या है? सर कॉलोनी नहीं आई, आई है, जांच भय है, लेकिन फिर मिली नहीं ना। मिलने के बाद लिस्ट में नाम देखा गया तो सिगरेटी केस नहीं ना, बाद में कहा 10,000 रुपया दियो तो तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा लिस्ट में, फिर मिलेगी आपकी कॉलोनी। हमने पैसा नहीं दिया, कॉलोनी नहीं आई। ग्राम पंचायत अधिकारी पैसा मांग रहे हैं? हाँ। लिस्ट में नाम बढ़ाने के नाम पे? हाँ। क्या नाम है आपका? केशपति। कॉलोनी आई है आपकी? कॉलोनी आई रही है, लेकिन लकड़म पर गया तो पैसा मांगत रहा। किसने पैसा मांगा? किसने मांगा? त्रिवेदी। त्रिवेदी? हाँ। कौन है ये? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। 10,000 रुपए मांग रहे थे आपसे? 10,000 रुपया दिया, तुम्हारा भी काम हो। इस वजह से कॉलोनी आपकी नहीं आई? नहीं, पैसा आपने नहीं दिया। मनपुरी नारायण नगर, इटौरा बुजुर्ग। जी, इटौरा बुजुर्ग। क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्या है, हमारे गांव में बहुत से गरीब आदमी हैं, उनकी कॉलोनी नहीं आई, जिसकी भी कॉलोनी आई है उनका कागज अभी तक रुका पड़ा है। क्यों? सिग्नेटरी आते हैं, उनसे प्रूफ मांगते हैं, ले जाते हैं, लिहाजा उनकी पेमेंट नहीं आती, इसलिए क्योंकि वो पैसे के भूखे हैं, उनके पीछे चमचा लोग लगे हैं, पैसे भूखे इसलिए नहीं आती। सिग्नेटरी पैसा मांगते हैं? जी, सिग्नेटरी पैसा मांगता है इसलिए तो नहीं आती। अच्छा, पहले ग्राम प्रधान था, वो लिया, उससे बचा था, ये लगा लगाए हैं, सही जांच नहीं होती। अब पक्के घर बने, ठीक है, जिसका बन गया, मगर जो कच्चे घर हमारे यहाँ है, 20 साल से पुराने लोग कुरिया में रह रहे हैं, उनकी भी कॉलोनी नहीं आई। जो अपात्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, एक आध विकलांग कुरिया में रहते हैं, उनकी भी कॉलोनी नहीं आई। तो जिनके पक्के मकान, उनको आवास मिला है?
जिसके पक्के मकान है, हाँ कुछ लोग उनको आवास मिला है। दो दो बार कलावती। कलावती किस गांव रहने वाली है? नरेंद्र इटौरा। हाँ। क्या हुआ है? अरे जो कॉलोनी नहीं आई पैसा की वजह से, जो है कि नहीं देवा चाहते, गरीब मना ही बताऊ, 20,000 रुपया कहाँ से पाई तू दे। किसने पैसा मांगा आपसे? सिंग्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी। दुई बार चेक भाई जो है घर के, हमें मतलब फोटो कॉपी का के लाई गए हैं जो है। अच्छा, नहीं आवा चाहा। आपने पैसा नहीं दिया? नहीं पैसा नहीं। कॉलोनी आपको नहीं आई? नहीं। हमारी कॉलोनी आई है, प्रधान ने 21,000 ले लिया। क्या नाम है आपका? रजनी। किस गांव के रहने वाली है? ऊंचाईपुरवा। प्रधान ने पैसा क्यों लिया है? क्यों लिया है? अब उन्होंने दिया है तो ले लिया, कहीं था कि ले लेंगे पैसा इतना। घूस है क्या? घूस नहीं है, उसमें कहा था प्रधान ने कि कॉलोनी आएगी तो मैं पैसा लूंगा। अच्छा, इतना पैसा लेंगे? इतना लूंगा। कि किस तरह ग्रामीणों ने भ्रष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं कि वो पैसा मांगता है। अगर इस स्थिति में गरीब पैसा देकर आवास बनाएगा तो कैसे आवास बन पाएंगे उसके, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि भ्रष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर प्रशासन कब तक शिकंजा कस पाता है। रायबरेली से विपुल शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी।